कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट देख पा रहा हूं, हमारी आईटीआई, हमारी ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारी लड़कियां और लड़के इस प्रोसेस में आके आगे चल के छोटा सा ऐप बनाएंगे, अपने सर्विसेज को उस जिले में अर्बन सेंटर में दो चार जिलों में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ना केवल खुद की रोजगार करेंगे, कम से कम 25-50-100 लोगों को रोजगार दिलवाने का भी काम करेंगे। ये ही अप्रेंटिसशिप की मूल उद्देश्य है, आत्मविश्वास बढ़ाना। मेरे दृष्टि से अप्रेंटिसशिप कोई 5-7-8 हजार की स्टाइपेंड नहीं तो शुरुआत ही है, पढ़ाई के साथ आपको कमाई की कुछ मौका है, लेकिन ये जो आपकी एक्सपीरियंस होगा, इस एक्सपीरियंस से आगे आप देश में आपकी खुद की संभाल के बाद और एक बड़े तबके को भी संभाल लोगे। धीरे धीरे इकोनॉमी हमारा फॉर्मलाइज होते जा रहा है, आज डिजिटल पेमेंट रेडी पटरी में भी आ चुका है, स्ट्रीट वेंडर तक भी आ चुका है, इसलिए स्काई इज द लिमिट। आप आगे बढ़िए, आपको मेरा अनेक अनेक शुभेच्छा, लेकिन आज के अवसर पे मैं 2-3 चीज को आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने विभाग की अधिकारी विशेष करके हमारे रीजनल डायरेक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑफिशियल है, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 14 में दायित्व लेने के बाद, जैसे अभी राजीव जी ने उल्लेख किया, 14 में 15 में अप्रेंटिसशिप एक्ट को रिफॉर्म किया है। जो इंडस्ट्री के मित्र बैठे हैं, मैं उन्हीं को रीअश्योर करता हूं, पहले अप्रेंटिसशिप आपके लिए एक डराने वाला चीज था, आप अप्रेंटिसशिप में बच्चों को लोगे तो फिर आपके कंपलसरी हो जाएगा उनको नौकरी देने में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई डरने के कारण नहीं है। भारत सरकार इसको डीलिंक किया है, अप्रेंटिसशिप में आप दीजिए, आगे आके दीजिए, आपके फायदा है। क्यों? अप्रेंटिसशिप की जो स्टाइपेंड, उसकी कैपेसिटी से आप दोगे, किसी को आप 7,000 दोगे, किसी को आप 8,000 दोगे, किसी ने कहा हमको 10,000 मिल रहा है, उस लोकल मार्केट में जो उसकी स्टैंडर्ड्स है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो मार्केट की प्राइस है, उस हिसाब से आप उसको स्टाइपेंड दीजिए, ऑनरेरियम दीजिए, ये कोई तनख्वाह तो है नहीं, उसमें भारत सरकार आपको 1,500 रुपया की जिम्मेवारी लेगा, ये भारत सरकार सीधा सीधा आपको पहुंचाएगा। इसलिए इंडस्ट्री के मित्र, ना आपको कोई जॉब की परमानेंट करने की ओब्लिगेशन है, ना पूरा खर्चा आपको देना है, आपका 1,500 रुपया मोदी जी यहीं से सीधा पहुंचाएंगे। मेरा एक अपेक्षा है, इस बार आपने पिछले 2-3 सालों में उसको थोड़ा ठीक से ग्राउंडेड किया है, मैं इस साल से अपेक्षा रखूंगा कि आप इस साल हम दोनों चीज करें, हम टारगेट बढ़ाएं। मैं ये 2.5-5 लाख में संतुष्ट नहीं हूं, मैं हमारे मित्रों को कहा है, इधर विशेष करके रीजनल डायरेक्टर्स की ये जिम्मेवारी बनती है, आप कम से कम इसी साल 10 लाख नौजवानों को हम अप्रेंटिसशिप फ्रेमवर्क में लाएंगे, सभी के बैंक अकाउंट में दिल्ली से ही 1,500 रुपया मंथली सीधा जाएगा। कंपनी अपने जो जिम्मेवारी है उनको भी बैंक अकाउंट में भी दे ही रहे, वो उधर से जमा कर दे। इसकी एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाएंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे भारत की मानव संबल को, ह्यूमन रिसोर्स को, विशेष करके नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए, ना केवल नौकरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, सर्विस सेक्टर में लीड रोल लेने के लिए हमने इस प्रकार के एक नया इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया है। यह हमारी उद्देश्य, इसलिए बैंक 10 लाख होगा और सबकी पेमेंट स्टाइपेंड की बैंक अकाउंट में होगा। मेरे मित्रों ने मेरे को आश्वर किया है, और हमारे राजेश जी, जिसकी आईटी की दुनिया के एक बड़े विश्वसनीय नाम है, वो मेरे को आश्वस्त किया है कि इस बार वो उसको कर देंगे, अतुल जी भी उनके साथ रहेंगे। दूसरा मित्रों, आपको जिसे कहा गया कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, स्किल इंडिया की एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगी, जो NSQF के कंप्लायंट होगा, उसके एक लेवल की होगी, आप शायद
आईटीआई पढ़ के जा चुके होंगे। ये मेरा एक अनुरोध है आईटीआई की प्रिंसिपल्स को और हमारे रीजनल डायरेक्टर्स को, इसमें सिर्फ आईटीआई की स्टूडेंट्स को मत बुलाइए। आईटीआई तो बुलाई है, लेकिन आप पीएमकेके की ट्रेंड लोगों को बुलाइए, आप जन शिक्षण संस्थान की ट्रेंड लोगों को बुलाइए, अन्य विभागों की जो स्किल सेंटर्स है उनकी ट्रेंड विद्यार्थियों को, बच्चों को बुलाइए, राज्य सरकारों की जो ट्रेंड बच्चे हैं, आईटीआई के बाहर भी बहुत संस्था है, डीडीजेकेवाई के अंदर जो ट्रेंड बच्चे हैं उनको बुलाइए, आरसेटी में बैंकों के पास जो ट्रेंड लड़के हैं उनको भी बुलाइए, कैनवास को बड़ा करिए। और जो कंपनी की, ये तो मैच मेकिंग की बात है, कंपनियों की, जैसे मैं बनारस की मित्रों को पूछते कई चीज पूछा, आप उड़ीसा में जो लोग अप्रेंटिसशिप में जोड़ना चाहेंगे, उड़ीसा में बेसिक कोर कॉम्पिटेंसी है माइनिंग सेक्टर, देश के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग काम होने वाला राज्य है उड़ीसा, अप्रेंटिसशिप उसी हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए वहां। पुणे में एक मॉडर्न इकोनॉमी की जो सर्विस इंडस्ट्री बन रही है उसकी एक हब है पुणे, ब्रिटिश पेट्रोलियम की डेवलपमेंट सेंटर, नॉलेज डेवलपमेंट सेंटर की हेडक्वार्टर बना है, एक ग्लोबल रिसर्च पॉइंट बना है पुणे, हमें टाई अप करनी चाहिए उस सेंटर में, अप्रेंटिसशिप में हमारी 2-5-10 लड़के 100 लड़के कैसे चले जाएं। आप कल्पना करिए बीपी के आरएनडी सेंटर में हमारी लड़के अगर साल भर की अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट, उनकी स्किल इंडिया की सर्टिफिकेट में 8 बीपी आरएनडी सेंटर लिखा जाएगा तो उसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी प्रीमियम कितना बढ़ जाएगी। ये काम हमको प्रिंसिपल्स और रीजनल डायरेक्टर इन दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, उसकी थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ानी पड़ेगी। ये सर्टिफिकेट सबको ठीक से सीमलेसली मिले, ऑब्जेक्टिवली मिले, इसकी चिंता विभाग करेगी। और मैं अंत में और एक बात कहूंगा, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में 34 सालों के बाद, आफ्टर 34 इयर्स देयर इज ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन फ्रंट ऑफ अस। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ एक 60-65 पेज की 70 पेज की एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 21st सेंचुरी की ट्रांसफॉर्मेटिव रोड मैप है, यही हमारे लिए गीता है, यही हमारे लिए बाइबल है, यही हमारे लिए कुरान है, यही हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब है। इसी के माध्यम से हम, अच्छा हमारी चैलेंज क्या है, अगर मैं 15 से 25 इसी एज ग्रुप में आज देश की नौजवानों की संख्या को गिनती करता हूं, यह हो जाता है लगभग 25 करोड़ 250 मिलियन। और उसमें ये आईटीआई को अगर मैं मिला दूं, आईटीआई कॉलेजेस अन्य उच्च शिक्षा की संस्थाने इन सारे को मिला दूं तो इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 11-12 करोड़ है। उसकी अर्थ है बाकी 12-13 करोड़ नौजवान मार्केट में है, ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल स्किलिंग, फॉर्मल एजुकेशन, ना कोई सर्टिफिकेट की नेटवर्क में है वो। हमें जब तक ये पूरा 25 करोड़ आज की पॉपुलेशन के आधार पे 25 करोड़ नौजवानों को स्किल्ड, रिस्किल्ड, अपस्किल्ड, हाईली स्किल्ड नहीं करेंगे, तब हम हमारी देश में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कल्पना किया है, नैप्स उसी दिशा में कदम है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें यह सुविधा देगी। इसी साल से जो बीते गया गया, लेकिन 2022-23 में जो बच्चे अप्रैल अनुवाद नैप्स में एनरोल होकर अपने सर्टिफिकेट की हासिल के लिए पढ़ाई करेंगे, कमाई करेंगे, उनकी क्रेडिट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट की एक लेवल की असेसमेंट करके उस समय की काम को
क्रेडिट अर्निंग किया जाएगा, माने एक 10 क्लास का पास किया हुआ बच्चा जो आईटीआई किया है, अगर वो अप्रेंटिसशिप पीरियड की एक पॉइंट की क्रेडिट आता है तो उसको आने वाले दिनों में पढ़ने में या उसकी कहीं जॉब ढूंढने में या बैंकों के पास जाके लोन मांगने में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो क्रेडिट रेटिंग मदद करेगी। इसलिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, क्रेडिट रेटिंग भी आपकी बढ़ाई जाएगी, एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा आपकी ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जैसे आपकी बैंक अकाउंट है जिसमें आप ATM चलाते, जिसमें आपने डेबिट कार्ड चलाते हो, जिसमें आपके सारे खर्चे आजकल आप जाके उसी में से करते हो, ऐसे ही आपकी आने वाले साल से आपकी एक बैंक अकाउंट रहेगा पढ़ाई के लिए, एक डिजी लॉकर आपकी रहेगी। उस लॉकर में जैसे आपके पिताजी घर की मूल्यवान चीज को लॉकर में रखते हैं, ऐसे ही आपकी पढ़ाई वाला चीज को इकट्ठा करने के लिए लॉकर में रहेगी। उसमें आपकी सर्टिफिकेट भी रहेगा, उसमें आपकी क्रेडिट अर्निंग की हिसाब भी रहेगी, जिसमें मान लो कोई हमारे आसाम का नौजवान पुणे में कंपनी में, बेंगलुर में कंपनी में नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, तो पुणे और बेंगलुर की कंपनी की अधिकारी HR वाले उनकी को देगा, सिर्फ मेरा डीजी लॉकर नंबर इतना है, उस डीजी लॉकर में वो ढूंढ के उसकी पढ़ाई, उसकी सर्टिफिकेट, उसकी क्रेडिट रेटिंग, उसकी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, उसकी परफॉर्मेंस अप्राइजल सब देख लेंगे। सीधा सीधा उसको फिर 2-4 घंटे के बाद ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चला जाएगा, यू आर ओके, यू आर परफेक्ट, प्लीज हैव दिस टिकेट टू बेंगलुरु, कम एंड ज्वाइन। ये हमारी कल्पना है देश में नौजवानों को 21वीं सदी में आधुनिक से आधुनिक व्यवस्था से जोड़ना, ये इस कार्यक्रम की उद्देश्य है। ये सिर्फ वार्षिक एक बार नहीं होगा, मैं विभाग के अधिकारियों को जिम्मेवारी देता हूं हर एक महीने में होगा। अब फिक्स कर दीजिए महीने में एक बार इस 700 जिले में एक बार अप्रेंटिसशिप मेला होगा। अप्रेंटिसशिप मेले में आपकी एक्युमुलेशन होते रहेगा, हम साल में एक बार